हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिज़ाइनर साड़ी बहुत ही कम लागत में और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। अगर आपका फैशन सेंस अच्छा है, हालांकि सबका थोड़ा बहुत अच्छा ही होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मोटे लेस वाले से जो साड़ी है इससे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है गोटे पट्टी का जो लेस हमने इसके ऊपर लगाया है कॉर्नर के ऊपर, और ये है थोड़ा मोटा लेस। अक्सर क्या होता है कि मोटी लेस की जो साड़ियाँ होती है, मतलब चौड़े लेस की जो साड़ियाँ होती है, उनके अंदर है ना प्लीट्स डालने में दिक्कत होती है। लेकिन वो प्लीट्स डालने का ना अपना तरीका होता है। जब आप यहाँ से पिनअप करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अगर वी शेप में आप मोड़ देते हैं, अगर आप यहाँ से स्क्वायर करके लगाते तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, अब इतना नहीं चलता है। तो आप कॉर्नर पे कमर के साइड में अगर इसे थोड़ा मोड़ देंगे तो आपकी साड़ी एकदम सीधे से नीचे पे आएगी और पहनने पे भी बहुत अच्छा लुक देगी। देखिए, ये है, ये मैंने पहनी थी करवा चौथ पे। ये दो, इसका जो शेड है ना, ये मतलब रेड में ही है, पर रेड में एक टमाटर, एक पूरा डार्क वाला और एक टमाटर को कट करने के बाद जो लाइट वाला होता है ना, वैसा है। देखिए, और ये प्योर की साड़ी है। ये देखिए, ये प्रॉपर रेड है और ये थोड़ा इसमें है, तो ये प्योर की साड़ी है और बहुत ही अच्छी लगती है पहनने पे। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस पे मैंने ये लेस लगाया था, लेस को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। देखिए, इसमें गोटे पट्टी का लेस लगाया है और ये इसके ऊपर ये चौड़ा लेस लगाया है और उसके ऊपर मैंने फिर गोटे पट्टी वाला लेस लगाया है। मैंने इसके अंदर बीच में इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि प्योर की साड़ी में थोड़ा ऐसा होता है ना कि बहुत, अगर आप मुझे एक बार नहीं पहनना होता है ना इसको, मैं दोबारा भी अपने तरीके से वो रिन्यू करके पहनती हूँ। तो अब प्योर की साड़ियों में क्या होता है कि अगर ज़्यादा सुई धागे का काम हो जाए ना, तो वो झीना सा होता है ना, तो फट जाता है। तो मैंने ये एक बार ही पहनना था, तो मैंने सो करवा चौथ में पहन लिया। अब इसको मैं लहंगे में कन्वर्ट करूँगी, तो ये जो जो लेस निकालूंगी तो उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा ना, थोड़ा निशान है, अगर मान लो कभी फट गया तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसके बीच में मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया था, सिर्फ बॉर्डर पर किया था। बहुत ही प्यारा लुक आया था इसका पहनने के बाद। मैं इसकी पिक शेयर कर रही हूँ, आप देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और फिर मैंने बनाया था एक साड़ी, ये वाली साड़ी। ये साड़ी सबको पसंद आई थी। एक मार्केट में अगर आप ये साड़ी लेने जाते हैं तो इस साड़ी की जो कीमत है ना, वो 2 से 3 हज़ार रुपये है। बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, 50 ग्राम वाली साड़ी है। ये शिफॉन का कपड़ा है, वो प्योर का था इसके पहले वाला, और ये शिफॉन का। उस पर मैंने गोटा पट्टी का काम किया है। पिक शेयर करती हूँ मैं इसकी, आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस पर लगाया है मैंने गोटा पट्टी लेस घूम करके, तो इसके दिखने में यहाँ पे बॉर्डर वो लगाया ना फॉल, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ फॉल हट जाए वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको घूम करके लगाया है। ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके अंदर आपको मैं ये लेस लगाना सिखाऊंगी। और ये देखिए, ये पूरी साड़ी जो है इसका जो पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, हालांकि पूरी भरी हुई है। देखिए, ये पूरा, ये मैंने ये दिवाली पे पहना था, मैंने बहुत अच्छी लगी थी सबको और बहुत लाइट वेट थी, तो जिससे जो इसका जो लुक होता है ना फिगर पे, वो बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी और बहुत ही कम बजट में बन गई थी। अगर आपके इधर वीकली मार्केट लगता है तो आप उधर जाके ये देखिए, हर वीकली मार्केट के अंदर लेस वगैरह मिलते हैं और थोड़े सस्ते दे देते हैं, क्योंकि वो लोगों को कोई कॉस्ट नहीं देना होता है, पंखे का, लाइट का, दुकान का, ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो वो जितना लेस का रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। दुकान से लेने में और वहाँ से लेने में मिनिमम 50 से लेकर 70 रुपये का फ़र्क पड़ता है, ऐसा मैंने हमेशा कैलकुलेट करके देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये साड़ी रेडी की थी। और ये जो जाल बनाए हैं, जाल ही इसका बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक और काम कर रही हूँ दुपट्टे पे इसका, सेम दुपट्टा मैं कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, शूट करने में मुझे दिक्कत आती है, बच्चे मेरे छोटे हैं, परेशान करते हैं, यहाँ वहाँ मोबाइल गिरा देते, तो हो नहीं पाता है मेरे से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो जो दुपट्टे का पूरा जो काम है जाल वाला बनाने वाला, मैं आपसे शेयर करूँ। आजकल ये बहुत बहुत फैशन में चल रहा है, जिसे देखो, एक्चुअल में ये प्रॉपर जो गोटे पट्टी वाला जो है ना, ये राजस्थानी लुक आता है। और राजस्थानी का जो लुक, ये जो साड़ियाँ होती है, जो कुछ भी होता है वहाँ का फैशन, वो कभी नहीं जाता, वो एवरग्रीन होता है और हमेशा अच्छा लगता है। कहीं पे भी जाओ तो यूनिक, आप अपने आप में आप अलग से दिखने लगोगे और दूसरा तो आपको अलग से देखी गई तो अच्छा लगता है। मैंने इसको बहुत पहना है, बहुत बार पहना है, बहुत प्यारा लगता है ये। और इसके ऊपर मैंने कोई अभी तक ब्लाउज नहीं सिला है, मैं कौन सा भी ब्लाउज इसके ऊपर चला लेती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिए, अगर आप ट्राई करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा बताया हुआ ये साड़ी,
तो आप प्लीज इसे ट्राई करें और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी कर ले और वहाँ पे अपनी जो ट्राई की हुई साड़ी है या दुपट्टा ब्लाउज जो भी आप बनाते हैं उसकी पिक शेयर करें, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी को अच्छी लगी है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको तीसरी साड़ी, वो बनाई है मैंने इसमें क्या बोलते हैं ऑर्गेन्जा की जो साड़ी होती है ना, ऑर्गेन्जा का कपड़ा और एक सिल्क का जो होता है, मतलब ऑर्गेन्जा में ही जो सिल्क आती है एक वो है प्रॉपर ऑर्गेन्जा, जैसे ये है प्रॉपर ऑर्गेन्जा में और ये ऑर्गेन्जा सिल्क में है, ये देखने में आपको समझ में आ रहेगा शाइनी है, बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैंने लगाया था सदा सौभाग्यवती रहो वाला लेस ऐसे, और किनारी लेस भी इसके साथ अटैच की थी, देखिए इस तरीके से ये मैंने इसके ऊपर लगाया था और गुम करके लगाया है, ये देखिए जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये जो है ये जो निशान दिख रहा है ये ऊपर पहले अंदर से लगाया हुआ रहता है, इसलिए एक बार अटैच करते हैं ना तब आता है, फिर जब आप पलट देते हो तब भी वो दिखता है निशान, तो ये ऊपर का जो सिलाई मारा है यहाँ से वो सिलाई दिख रहा है। और ये देखिए ये है इसका गुम वाला, मैंने गुम तरीके से ही लगाया है क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ ना गुम तरीके से लगाते हो तो आपकी फिनिशिंग बहुत, और ये लग रहा भी बहुत प्यारा है। सदा सौभाग्यवती का रेडीमेड साड़ियाँ भी मिल रही हैं ऑनलाइन, रेड कलर में ज़्यादा चली थी लेकिन जो है ना वो कॉमन हो गया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, हर चौथा इंसान पहन रहा था, तो ये मैंने ख़रीदा था हमारे जो वीकली मार्केट लगता है वहाँ से, ये सदा सौभाग्यवती का लेस लिया था मैंने, वेलवेट का है ये, देखिए एक मिनट उल्टा दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए अरे अच्छा वो सीधा था अरे यार कौन सा सीधा था कौन सा उल्टा था, जो भी सीधा था जो भी उल्टा था आपको दिख रहा होगा वैसे, देखिए ये सदा सौभाग्यवती वाला लेस है, ये मैंने वहाँ से वीकली मार्केट से खरीदा था और मुझे मिल गया था 350 में, मतलब 9.25 मीटर था, 9 मीटर में थोड़ा सा कम था, वो कह रहे हैं आगे से ही ऐसे ही आता है लेकिन फिर भी सस्ता था ऑनलाइन, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, खड्डी वर्क में है ये लेस, तो मैंने इसके ऊपर किनारी वाला आजकल बहुत चल रहा है तो ये लेस लगाया मैंने, और उसको कंट्रास्ट में मैंने बनाया था, इसकी मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद, मतलब इसको मैं छठ में पहन के गई थी, छठ की जो पूजा होती है ना यूपी बिहार में होती है, यूपी में हर जगह नहीं होती है, पूर्वांचल साइड के जो होते हैं मतलब जो बनारस गोरखपुर देवरिया साइड वगैरह के होते हैं ना वो करते हैं, मिड यूपी वाले लोग नहीं करते, और बिहार में तो ऑल ओवर बिहार में होती छठ की पूजा, तो जो छठ की पूजा हुई थी उसके अंदर मैंने ये पहना था, बहुत ही अच्छा लुक आया था इस साड़ी का, तो देखिए पूरा जो साड़ी है मैंने पूरा इसको इस तरीके से लगाया था और बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद, इसको अच्छे से सेट करना पड़ता है, ऑर्गेन्जा की जो साड़ी है उसमें प्लीट्स जल्दी अच्छे से नहीं बनते हैं लेकिन अगर आप डेली वेयर करने वाले हो तो आपको तो आदत बहुत अच्छे से होगी, तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है पहनने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों की तीनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी होगी और जो जिस आइडिया मतलब जो मैंने आइडिया आपसे शेयर किया है आप ट्राई भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।